कहानी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा सोल्जर भी था जो बहरा था, इसलिए उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तभी इसका साथी इशारा करके पीछे चलने की बात करता है, जिसके बाद सब यहाँ से मुड़ जाते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ इनके नज़दीक में एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध रहा था। तभी इसको पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। यह देखते ही सोल्जर नदी के पास आता है और तुरंत इसे लेकर अपने पास रख लेता है, लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन विच भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी ही हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी बीच पहले सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि इस सोल्जर के साथ में कुछ और लोग भी आए थे जो यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले थे, लेकिन तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और अजीब तरीके से डांस करने लगती है, लेकिन इसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, इसकी आवाज़ को सुनते ही सभी सोल्जर इसके बस में हो जाते हैं और सभी के अंदर इसे पाने की चाहत आ जाती है। इसके बाद सायरन विच पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है, लेकिन अब उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सभी सोल्जर बहुत अग्रेसिव हो गए थे और कुछ लोग तो एक ही झटके में मारे जाते हैं, लेकिन जो सोल्जर अभी भी बचे हुए थे इन सभी के अंदर सायरन विच का अट्रैक्शन भी आ गया था, लेकिन अब कोई भी अपने होश में नहीं होता और ये एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन विच की तरफ जाने लगते हैं, जबकि सायरन विच लगातार अपनी खतरनाक आवाज़ें निकाल रही थी और इसी के साथ वो पानी में पीछे की ओर भी जाने लगती है। तभी बहरा सोल्जर इनकी इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे। तभी बहरे सोल्जर की नज़र सायरन विच पर जाती है, जिसको देखते ही वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन इसे सायरन विच की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर्स को उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो उसके अट्रैक्शन की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन आखिर में सबके सब पानी में डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, जिसके बाद सबके सब इस तालाब के नीचे चले जाते हैं। तभी सायरन विच की नज़र बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाज़ें निकालने लगती है, लेकिन इस पर उसकी आवाज़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब इस बात से सायरन विच हैरान हो जाती है और फिर से कई बार आवाज़ निकालती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी इस सोल्जर को कुछ नहीं होता। अब इस बात से सायरन विच भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है, इसलिए सायरन विच बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब काफ़ी डर गया था और इसे अभी तक बात समझ नहीं आई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन विच इस बहरे सोल्जर की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसे पाना चाहती थी। लेकिन बहरा सोल्जर अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन तभी भागने के दौरान यह सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ समय के बाद इसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होता है, लेकिन अब सोल्जर भागते हुए काफ़ी थक गया था, इसलिए वो एक चादर लेता है और नदी किनारे एक ही जगह पर आराम करने लगता है। लेकिन अब कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है और अब सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास में आ जाती है। इस दौरान सोल्जर विच में इस बहरे सोल्जर को पानी की गजब चाहत आ जाती है और अब सायरन विच इसके साथ ही सो जाती है, लेकिन सोल्जर को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आंखें खुलती है, जहां हम देखते हैं कि सायरन विच अभी भी इसके पास में ही सोई हुई थी। तभी इस बहरे सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और अब इसकी नज़र सायरन विच पर जाती है, जिसके बाद वो इसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन विच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है, सोल्जर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान इसकी हथेली में सायरन विच की बॉडी के कुछ जवाहरात फंस जाते हैं। अब यह देखते ही सोल्जर जान जाता है कि सायरन विच की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात हैं, जिसको देखते ही सोल्जर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब इसमें इसे पाने का लालच आ जाता है। इसके बाद वो सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी और अब एक झरने के ऊपर आ जाती है। यह देख सोल्जर भी नदी किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सोल्जर अपनी तलवार को यहीं रखने के बाद सायरन विच की तरफ जाने लगता है। अब इसको देखते ही सायरन विच समझने लगती है कि यह सोल्जर भी उससे प्यार करने लगा है,
इसके बाद सायरेविच मदहोशी में डांस करने लगती है और फिर तुरंत इसके पास में आ जाती है, जिसके दौरान सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि उसे भी सायरेविच से प्यार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, वो तो केवल सायरेविच की बॉडी पर लगे हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सायरेविच के होठों पर भी हीरे जवाहरात लगे थे, जिसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता। लेकिन अब सायरेविच खुद को रोक नहीं पाती और ऐसे ही उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सोल्जर के होठ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। लेकिन अब सोल्जर ऐसा होने देता है और फिर सायरेविच को किनारे पर लाने के बाद एक ही झटके में बेहोश कर देता है। अब इस तरह से यह सोल्जर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो सायरेविच की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरेविच की पूरी बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और अब सोल्जर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरेविच की बॉडी नदी में बहने लगी थी और इसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। इसके बाद यह सोल्जर सारे हीरे जवाहरात को एक चादर में उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सायरेविच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी, जो यहाँ पर अजीब तरीके से नीचे चली जाती है। यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, इसका सोल्जर को कोई अंदाजा नहीं था। फिर भी इसके पास में जितना खजाना था वो बहुत ही ज्यादा भारी था, जिसे ले जाने में इसे काफी दिक्कत हो रही थी और इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए काफी थक जाता है। इसी बीच इसे सामने एक नदी नजर आती है, जिसे देखकर वो पानी पीने के लिए इसके किनारे पर आ जाता है। इसके बाद वो जैसे ही पानी पीने जाता है, सायरेविच का ब्लड यहाँ भी आ जाता है और सोल्जर इसके साथ में ही पानी को पी लेता है। लेकिन अब जैसे ही इस बात पर उसका ध्यान पड़ता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी डर जाता है। लेकिन इसके बाद इसे आवाजें सुनाई देने लगती है, जो कि सायरेविच के ब्लड की वजह से ही हुआ था। अब इस बात से सोल्जर काफी परेशान हो जाता है और पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर बाद सोल्जर शांत हो जाता है और फिर जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, इसी वक्त सायरेविच पानी से बाहर आ जाती है। जब इसे अपनी बॉडी के सभी हीरे जवाहरात गायब हुए नजर आते हैं, तो वो काफी परेशान हो जाती है और इसकी वजह से वो बहुत दुखी भी हो गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सोल्जर के दिल में इसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वो तो केवल इसके जिस्म के हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी उसकी नज़र सोल्जर के ऊपर पड़ती है और अब सायरेविच आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब इसे आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है, जबकि सायरेविच भी धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी और इसकी आवाज़ को सुन सुनकर सोल्जर की मेंटल कंडीशन खराब हो गई थी। लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी इसके बस में आ गया था। इसके बाद सायरेविच इसको भी पानी के अंदर ले जाती है और अंत में यह सोल्जर पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वहीं अब सायरेविच अपनी हालत को देखकर काफी दुखी हो गई थी, जबकि सोल्जर भी उसी जगह पर आ जाता है जहां पर इसके बाकी साथी मरे पड़े हुए थे। और ये कहानी इसी के साथ में खत्म हो जाती है।